Assalamu alaikum beta. Today we have to start with the lecture singular and pillulars. We have certain rules that how to make pillulars. The rule is when the singular form of the noun end with O is a vowel, just add ES to the end of the word. वर्ड्स ठीक है जो जो कोई भी वर्ड आपको ओ पे ख़त्म हो रहा है तो हम वहाँ पे ई एस एड करके उसको पिलुलर बना देंगे वॉल्केकिनोज मैंगो मैंगोज पटेटो पटेटोज हीरोज अगेन वैन द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन दिस इज सेकेंड रूल वैन द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन एंड विथ वाई द लेटर बिफोर दे इज अ कॉन्सोनेट ड्रॉप द वाई एंड एड आई ई एस टू द एंड ऑफ द वर्ड ठीक है जो भी वर्ड हो वाई पे एंड हो ठीक है उसको हम आई एस में चेंज कर देंगे लाइक like फेरी है तो आपका फेरीज़ है पपी पपीज और आपको पता है कि आर जो है कॉन्सोनेंट है वॉवल नहीं है वॉवल आपको पता होता है ए ई आई ओ यू होते हैं नाउ थर्ड रूल नाउन एंडिंग इन वाई विद अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट ठीक है आर मेड plural by चेंजिंग वाई into टू आई ई एस अब फिर से यह है नाउन जब भी एंड होगा जैसे मैंने ऊपर भी बताया या नीचे भी मैंने एग्ज़ैम्पल्स लिखे हैं कि वाई को ख़त्म करने के लिए हम आई ई ई एस लगाएंगे ठीक है और कॉन्सोनेंट हो ये दूसरे एग्ज़ैम्पल्स हैं आपके ये कंटिन्यू है अब दूसरा रूल ये है कि मैनी नाउंस एंडिंग इन एफ़ और एफ ई -E और उनको हम पिलुरर बनाने के लिए हम एफ ई या एफ को ख़त्म करके ई एस वी और ई एस एड कर देंगे एल आई एफ ई ठीक है एफ ई को ख़त्म करके हमने एल आई वी ई एस को एड किया है लीफ एफ़ को ख़त्म करके लीव्स लोफ एफ को ख़त्म करके लोव्स खाफ खाफ नाइफ़ नाइफ्स बट इन सर्टन सम नाउन एंडिंग विथ एफ़ और एफ ईनली सिम्पली वी हैव टू एड एस ठीक है कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एफ पर ख़त्म होते हैं पर उसमें हम सिर्फ एस एड करते हैं जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स हैं ठीक है चीव चीव शिप शिप्स गर्व गर् रूफ से नाउन अ फ्यू नाउन फॉर्म्स दे आर पिलुलर बाई चेंजिंग द इन साइड वॉवल्स ऑफ द सिंगुलर अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो अंदर ही उनके जो लेटर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं ठीक है अब देखिए मेन है ठीक है वॉवल है इसके अंदर एम और एन के दरमियान ए वॉवल है उसको हमने ई e में चेंज कर दिया मेन मतलब मेन एक और मेन बहुत ज़्यादा टुथ मतलब एक दांत तीख मतलब बहुत ज़्यादा गूस गीस, फुट फीट अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं मैनी नाउंस टेकन फ्राम द फॉरन लैंग्वेज कीप देयर ओरिजिनल फॉर्म ठीक है कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज़ के होते हैं फॉरन लैंग्वेज के फार्मूला टीके फार्मूला आ गया आपका इंडेक्स इंडेक्स आ गया रेडियस एक होता है और रेडी बहुत ज़्यादा मेमोरंदम तो मेमोरंदा और ये आपकी एक्सरसाइज है आप लोगों ने ये एक्सरसाइज करनी है होप यू वुड अंडरस्टेंड इट एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड डू कम ऑन द मीटिंग एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थैंक यू बेटा एंड आपने अपनी कॉपी में एक्सरसाइज करनी है और पूरा आपने कॉपी में लिखना है और समझना है और ये आपने ख़ुद फिल करना है ठीक है थैंक यू बेटा